नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम कल वीडियो पढ़ाया, उसका अगला वीडियो बता रहे हैं। कल हमने सभ्यता पढ़ाई थी, आज उससे आगे सबसे पहले सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, जो का है हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ है। और ये कालीबंगा शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द से बना हुआ है, सिंधी भाषा है ना, उससे शब्द बना है। और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियां। और इस कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था, प्राचीन काल में तो हुआ था सरस्वती नदी के किनारे, जिसकी जानकारी हमको मिलती है ऋग्वेद से। प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, इसकी जानकारी हमें मिलती है सरस्वती नदी, और वो जानकारी मिलने का स्रोत हमारे पास है ऋग्वेद। वर्तमान में हमें इसकी जानकारी मिलती है गंगा नदी के तट पर, कि ये कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर है, गंगा नदी। क्वेश्चन यही आता है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो गंगा नदी। और ये हमें जानकारी मिलती है काजरी के वैज्ञानिकों से। पटना में काजरी कहाँ है, जोधपुर, इसके अंदर हेड ऑफिस है सीधा जोधपुर के अंदर। और अब पढ़ते आगे गंगा नदी का उपनाम। गंगा नदी का उपनाम नाली कहा जाता है इसको, हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है इसको। एक और नाम है नट नदी, इसको मर्त नदी भी कहा जाता है, इसको सोहत नदी भी कहा जाता है, और हक्का कहा जाता है इसको पाकिस्तान के नाम। कालीबंगा सभ्यता है, इसको पाकिस्तान क्या कहा जाता है, हक्का। जो कालीबंगा सभ्यता है वो गगन नदी के तट पर, और इस गगन नदी को पाकिस्तान में कहा जाता है हक्का। सर्वप्रथम कालीबंगा की हमको जानकारी कहाँ से मिली, सर्वप्रथम हमको कालीबंगा इस स्थान पर है, तो इसकी जानकारी हमको मिली थी इटली के एक था विद्वान, उसका नाम था एलपी टेसिडोर। उसने हमको सबसे पहले कालीबंगा के बारे में हमको जानकारी बताई थी, और सबसे पहले इसको खोज करता था इसका अमरानंद घोष, जिसकी इसने खोज की 51 के अंदर। और खोज करता अमरानंद घोष 51, और उत्खनन था बीके थापर और बीबी लाल, ये दो। बीके थापर की है लाल कसन, इसका पूर्ण नाम बाल कृष्ण, बी के मतलब बाल कृष्ण। और बीबीलाल का ब्रजवासी, बीबीलाल का मतलब क्या होता है, ब्रजवासी, ब्रजवासी लाल, इसकी उत्खनन किया था 1961-62 के अंदर। ये थी कालीबंगा का मेन स्ट्रक्चर, कहां से उत्पत्ति हुई, क्या किस नदी के तट पर। अब हम इसकी पढ़ लेंगे विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्या है विशेषता। अब हम बढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता की विशेषता, हमको पॉइंट वाइज बढ़ना है, क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन ही पॉइंट वाइज चार ऑप्शन आते हैं हमारे पास, और चारों हम इनके जितने भी कालीबंगा सभ्यता की जितनी भी विशेषता है हम एक साथ पढ़ लेंगे। सबसे पहले विशेषता क्या है, ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसको हम कहा जाता है काशी युग, आदि ऐतिहासिक काल काशी युग। दूसरा इसकी विशेषता, ये नगरीय सभ्यता है, सीधा सीधा पॉइंट, कालीबंगा कौन सभ्यता है, नगरीय। ये मातृ सत्तात्मक है, मतलब ये मातृ है, जो मातृ सत्तात्मक सभ्यता है। तीसरा है एकल परिवार प्रणाली, इसके अंदर मातृ सत्तात्मक होगा वहां एकल परिवार प्रणाली होगी, पितर सत्तात्मक होगा वहां मिश्रित परिवार प्रणाली होगी। पांचवा है नगर के चारों ओर क्या है, दोहरा परकोटा है। क्वेश्चन यही बहुत बार आ रहा है कि सभ्यता के चारों ओर दोहरा परकोटा, नगर है या बीच में दोहरा दोहरा परकोटा है, दो बार इसकी दीवार लगी हुई है। छठा है नगर दो भागों में बांटा हुआ है, नगर के इसके दो भागों में, एक पश्चिम टीला जिसके अंदर दुर्ग बने हुए हैं, और एक है पूर्व टीला जिसके अंदर नगर का निचला हिस्सा कहा जाता है। अगली विशेषता है सड़कों का निर्माण इसका समकोण रूप में किया गया है, सड़कों का निर्माण कैसा है, समकोण रूप में, इस तरह सीधा सीधा। और अगली विशेषता इनके इंटे प्रयोग किए, जो क्या है सूर्य तापीय, जिसकी साइज है 4:2:1, 4:2:1 और 1। और अगली विशेषता है भूकंप के बारे में सर्वप्रथम यहाँ पर जानकारी, सबसे प्रथम भूकंप भूकंप की जानकारी यही मिलती है, क्योंकि यहाँ दीवार पर ऐसे दीवार टूटी हुई, इसके अंदर दरार मिली थी, तो हमें सर्वप्रथम इसको भूकंप के बारे में हमको इनकी जानकारी मिली। अगली विशेषता
अगली विशेषता है कालीबंगा सभ्यता के वाटर एक संबंध है मेसोपोटामिया के साथ है, क्योंकि वहीं पर उनकी कुछ मुद्रा मेसोपोटामिया के साथ भी मिली थी, इसलिए कि वाटर एक संबंध कहाँ थे मेसोपोटामिया। यहाँ पर नगर का पानी निकालने के लिए नालियों का निर्माण की जानकारी मुझे सबसे पहले मिली थी कि नगर का पानी वो नालियों के द्वारा बाहर नगर के बाहर ऐसी तरह के ऐसे बना दिए गए नगर नालियां, ताकि ये कचरा यहाँ इकट्ठा हो, इसको साफ हो जाए, पानी आगे और जाए और कचरा साफ हो जाए। इस तरह से यहाँ सात हवन कुंड या हवन वेदी कहीं मिली थी, कौन सी कितनी मिली थी? सात। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कितनी हवन कुंड मिली गई? सात। शल्य चिकित्सा के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली थी, क्यों? एक खोपड़ी थी कुछ बच्चे की 6 साल के, उसके छेद मिले थे, और इससे हमें पता चलता है यहाँ पर सबसे पहले शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। मिश्रित कृषि होती थी यहाँ, खेती और खेती के साथ पशुपालन। तंदूर का सबसे यहाँ पर हमको मिला था चूल्हा, तंदूर का चूल्हा भी मिला था। हल से जुते हुए हमको खेत के प्रमाण मिले थे, एक क्वेश्चन आता है हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। लकड़ी की चारपाई बनी हुई थी, जिसको हम मारवाड़ी में कहते हैं माचा, लकड़ी की चारपाई। मेलों के बारे में हमें जानकारी मिली थी सबसे पहले यही, ऊंट से परिचित है ये लोग, कालीबंगा सभ्यता के ऊंट सभ्यता के लोग ऊंट से परिचित है और घोड़ों से अपरिचित है। ये घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे, ऊंट के बारे में जानकारी प्राप्त थी। इनके अंदर एक अलंकार के यानी चित्र बनने पर मर्द भान प्राप्त हुए, मर्द भान अलग सभ्यता में प्राप्त हुए, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ चित्र मर्द भान है वही यहाँ प्राप्त हुए थे। पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा मिली थी यहाँ। और कालीबंगा सभ्यता है वो पूर्व हड़प्पाकालीन समकक्ष और उत्तर हड़प्पाकालीन, इनके बारे में हमको तीनों कालों के हमारे जानकारी देता है, क्यों हड़प्पाकालीन है, हड़प्पाकालीन तीनों ये है। जब तक हड़प्पाकालीन थी, हड़प्पा काल के पूर्व भी थी, हड़प्पा के साथ भी थी, और हड़प्पा कालीन के बाद भी थी, ये तीन काल के अंदर सभ्यता थी। अब इसके है एक ये पूरी विशेषता की जितनी विशेषता है कालीबंगा की, जो क्वेश्चन पुट बहुत है हमने पूरा इसका एडजस्ट करने की कोशिश की, इसके अंदर पूरा लगभग आ गया है। अब एक कोटेशन है, तीन कथन है तीन के, वो हम देखते हैं आगे। विशेषता के बाद हमने आगे तीन कोटेशन पढ़ने हैं इस कालीबंगा के। अमलानंद घोष, सबसे पहले अमलानंद घोष ने क्या कहा था? कालीबंगा सभ्यता का विकास है वो एक तो हनुमानगढ़ जिला और एक बीकानेर जिले के अंदर हुआ। इसने दो जिले बताए थे, हनुमानगढ़ और बीकानेर। हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ते हैं हनुमानगढ़, लेकिन अमलानंद घोष ने क्या कहा? इसका विकास हनुमानगढ़ और बीकानेर दोनों के अंदर हुआ था। अगला स्टूटपिगल ने क्या कहा था? हड़प्पा में मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़ा राजधानी बताया, और इसको कालीबंगा को संभावित तीसरी राजधानी बताया। संभावित तीसरी राजधानी, तीसरी राजधानी इसने क्या बताया? संभावित तीसरी राजधानी, बोले तो श्योर नहीं था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी, लेकिन इन्हें संभावित तीसरी राजधानी किसको बताएगा? कालीबंगा को। और एक था दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। ये फिक्स था कि कालीबंगा सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तीसरी राजधानी किसको किसने बताया था? दशरथ शर्मा ने। पिगट ने कहा ये जुड़वा राजधानी तो है हड़प्पा और सभ्यता दोनों, लेकिन ये संभावित तीसरी राजधानी इसने संभावित बताया था, इसने श्योर कहा था कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी।